हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मन आकर पढ़ाई करोगे। आज सीखेंगे उसे जिंक फ्लोराइड का फॉर्मूला। मैं सिखाऊंगा आपको मात्र तीन स्टेप में। चलिए स्टार्ट करता है। पहला स्टेप, जिंक फ्लोराइड का फॉर्मूला फाइंड करना बेहद आसान है। अगर पुराने आपने वीडियो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैं फाइंड करता हूँ। स्टेप नंबर वन में सिंबल लिखेंगे, स्टेप नंबर टू में समझाएंगे क्या होता है, स्टेप नंबर थ्री में फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। चलिए स्टेप नंबर वन स्टार्ट करते हैं। जिंक का सिंबल होता है ZN एंड फ्लोराइड को होता है एफ होता है। क्लियर हो गया। देन अब आते हैं स्टेप नंबर टू में। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा रेडिकल एंड इसे आयन्स के नाम भी जानते हैं। इसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव मीन्स क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर सारे पॉजिटिव में डिजिट लिखी हुई है, ये नेगेटिव में डिजिट लिखी हुई है, इसलिए इसको एनायन के नाम से जानते हैं, उसको कैटायन के नाम से जानते हैं। प्लस वन है या माइनस वन है, इसको मोनोवैलेंट बोलेंगे। टू है तो डाई एंड थ्री है तो ट्राई, फोर है टेट्रा बोलेंगे। क्लियर हो गया। देन अब आती है यहाँ पर, चलिए एक चीज़ और छूट रही तो बताता हूँ मैं। जिंक का जो होता ही है आयन होते वो होता है प्लस का टू होता है एंड फ्लोराइड का होता है माइनस का वन होता है। ये हो गया डाइवेलेंट, ये हो गया मोनोवेलेंट। क्लियर। देन यहाँ लिखिए ZN लिखिए अपॉन में टू लिखिए एंड F में लिखेंगे वन। क्रॉस मल्टीप्लाई किस क्रॉसिंग है तो क्या करेंगे Z1 F2 लिखेंगे। क्या आएगा रिजल्ट, ZN F2 आएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, जिंक फ्लोराइड का फॉर्मूला फाइंड हो चुका है। तो देखा आपने मात्र तीन स्टेप में, जो कि बेहद आसान होता है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, डेली 5-6 बार प्रैक्टिस करें। और जो मेरी वीडियोज हैं 10 से 15 बार देखें। मैंने हाउ टू बैलेंस पे 750 वीडियोज़ करीब बनाई है। रिएक्शन सीखिए और बहुत कुछ है। मल्टीपलर वेट को कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला को कैसे बनाते हैं, आप लगातार देखिए। और जब सीख जाएंगे तब आपको एक लगेगा कुछ दिनों के बाद या कुछ मंथ के बाद कि वाकई मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हुई है। सारा खेल बेसिक केमिस्ट्री से होता है। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।